अब तुम मेरे रडार पे हो। अच्छा रडार पे कर लियो? हाँ कर लिया, आपसे कर लिया, बिल्कुल कर लियो। आज के तीन महीने आज के तीन महीने के अंदर तुमको निपटा दूंगा, इसका वादा रहा। और अपन लड़के पालो। तो सुना आपने, अब तुम मेरे रडार पर हो, आज से तीन महीने के अंदर तुम्हें निपटा दूंगा। रात के अंधेरे में किसी के घर पर जाकर धमकी देने के इस मामले में पीड़ित पक्ष और भीम आर्मी के लोग जब तहरीर लेकर थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी ने क्या कहा वह भी सुन लीजिए। आपको जहाँ जो कुछ कहना जाके कहो, मुझे जो कहना था मैंने आपसे कह दिया, ट्वीट हुआ था मैंने ट्वीट का जवाब दिया, जो उनके द्वारा गलती की शांति भंग का मैंने को जेल भेज दिया है। आगे कार्रवाई आपको जहाँ जाना करे, इस तरह दबाव मत बनाइए, आपको ये गलत ठीक है ना, ये थाना है। उसने जाके हमारे घर पे जाकर के रात को 11 बजे घर पे उनको जगा करके उनको जान से मारने की धमकी दी है, ये शांति भंग नहीं हुआ, ये अपराध हुआ है। हेलो, मामला उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी का है। थाना सिवरतनगंज के अंतर्गत गांव अशरफपुर माजरा अंगूरी के निवासी अजय कुमार उर्फ गुड्डू ने शिकायत दी कि बीते 6 जून को उसी के गांव के रहने वाले तरुण कुमार ओझा उर्फ चिंटू के द्वारा हमारे घर की बुजुर्ग महिला को असम्मानित शब्दों से अपमानित किया है, जिसका मेरे द्वारा विरोध करने पर देर रात मेरे ही घर पर आकर तरुण कुमार ओझा ने मुझे 3 महीने के अंदर जान से मारने की धमकी दी है। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद नहीं हुई कार्यवाही तो भीम आर्मी जिला अध्यक्ष अरुण कुमार शास्त्री अपनी टीम और पीड़ितों को लेकर थाने पर आ धमके। हाई कोर्ट का साफ आदेश है, पांच दिन को जान से मारने की धमकी देता है तो पुलिस को मुकदमा पंजीकृत करना ही पड़ेगा। हाँ। तो तीसरा दिन है। तो उसने जाके हमारे घर पे जाकर के रात को 11 बजे घर पे उनको जगा करके उनको जान से मारने की धमकी दी है, ये शांति भंग नहीं हुआ, ये अपराध हुआ है। हेलो, आज मैंने कभी रहते पुलिस कहा है वहां कर लिया होने के बाद विवेचना हुआ करती है। नहीं, मुझे मत समझाओ कि विवेचना कब होगी, जांच होगी वाला नहीं क्या करे, जब नहीं होगा काम समय कोई बात समझाना तो पड़ेगा ना सर, कुछ भी हो नहीं या पैसे करो नहीं होगा। काफी देर तक हाथ में तहरीर को लिए भीम आर्मी के लोग थाना प्रभारी से लगातार कहते रहे कि साहब इस मामले को 3 दिन हो गए हैं, सीधे घर पर जाकर रात के अंधेरे में धमकी दिया गया है, आप विवेचना करें लेकिन मामला पंजीकृत भी कर लें। लेकिन थाना प्रभारी साहब सुनने को तैयार ही नहीं हुए। उनका कहना है कि उन्हें यह ना समझाया जाए कि उन्हें विवेचना कब करनी है, यह उनका काम है। थाना प्रभारी अपना रुख साफ कर चुके हैं कि जहां जाना चाहते हैं पीड़ित वहां जा सकते हैं। उनके हिसाब से यह मामला शांति भंग का था जिसमें वह कार्यवाही कर चुके हैं, जबकि भीम आर्मी के लोग लगातार धमकी वाले वीडियो के आधार पर मामला पंजीकृत करने की मांग कर रहे हैं। थाना प्रभारी का रुख देख भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने एक फोन लगाया और साहब से बात करने के लिए कहा, उसके बाद जो हुआ वह भी देखिए। लीजिए बात कर लीजिए प्रभारी सर, एक ट्वीट हुआ था, ट्वीट हुआ था सर, उसका जवाब गया था सर, उसको चारों को भेजा हूँ, अब उसमें लोग का जवाब हवाला दर्ज करिए, तो मत किस बात कर रहा, तो ट्वीट हो गया था, उसका जवाब चला गया था, सब ठीक था। ठीक ठीक सर 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 जी भैया, तो देखा आपने जो साहब अभी काफी देर से टालम टोल किए जा रहे थे वह एक फोन आने के तुरंत बाद ही हरकत में आ गए। जिस तहरीर को लेकर भीम आर्मी के लोग काफी देर से हाथों में लिए खड़े थे, एसपी साहब का फोन आते ही साहब ने तुरंत तहरीर को पढ़कर मुकदमा भी लिख दिया और यह मामला वीडियो में दी गई धमकी के आधार पर ही लिखा गया है, जिसे थोड़ी देर पहले थाना प्रभारी साहब शांति भंग का मामला बता रहे थे। तो क्या सोचते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम पर, क्या आपकी प्रतिक्रिया है
एक बार कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।